हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। पिछले 6 महीने से घर में बैठे हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं, यहीं पे खाना खा रहे हैं, सब कुछ यहीं पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाहर बहुत कम निकले हैं। अब ऐसा लगता है कि थोड़े दिन, 10 दिन के लिए बस निकल जाएं कहीं पे, कोई नई जगह, एक वेकेशन ट्रिप प्लान करें। ठीक है, और ऐसी जगह पे प्लान करें जहां हम पहले नहीं गए। ठीक है, एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए। लास्ट ईयर मैंने ऐसे ही कुछ प्लान किया था दुबई के लिए। आई वेंट सोलो टू दुबई फ्रॉम पुणे और मैंने बहुत सारे अमेजिंग एक्सपीरियंसेस गैदर किए वहाँ पे, बहुत इन्जॉय किया। आई वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट 14 डेज, लगभग 14 डेज का मैंने वीज़ा लिया था और मैंने पूरा वीज़ा यूटिलाइज किया वहाँ पे, और मैं उसी के बारे में आपसे आज इस वीडियो में बात करूँगा। ट्रैवलिंग में या वेकेशन प्लान करने में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। फर्स्ट इज ट्रैवल, हाउ विल यू ट्रैवल। सेकेंड इज अकोमोडेशन। किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में जाने का सबसे महंगा पार्ट होता है अकोमोडेशन। आप अपने बजट में देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आपकी खर्च हुई, जहाँ पैसा आपका गया है, वो अकोमोडेशन में गया है। तीसरी चीज़ है आइटनरी। आइटनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे जा रहे हो घूमने के लिए, तो कैसे आपने आइटनरी प्लान करनी है। और फोर्थ इज फूड। सिंस ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फ्लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे और फ्लाइट के बारे में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और जो है टिप्स शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लाइट आपको बुक करनी कैसे है। अब जब बात आती है फ्लाइट बुक करने में, तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास। गो आईबीबो है, yatra.com है, मेक माई ट्रिप है, और ऐसे अनगिनत वेबसाइट्स हैं जहाँ पे से आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं। पर मेरे परस्पेक्टिव से सबसे अच्छी जगह जो फ्लाइट बुक करने की है, वो है गूगल फ्लाइट। अब गूगल फ्लाइट पे बुक कैसे करें, आप अपना आप डालिए जर्नी मुंबई टू दुबई। जब आप गूगल पे मुंबई टू दुबई फ्लाइट्स डालेंगे, तो जो मेन पेज है उसके साइड में आपको फ्लाइट का एक टैब आएगा। आप उस टैब पे क्लिक कीजिए और आपको उतने ही सारे ऑप्शंस आएंगे जो आपको गो आईबीबो पे या फिर मेक माई ट्रिप में आते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि जब आप गूगल फ्लाइट से बुक करते हो, तो आप डायरेक्टली जो एरोप्लेन है, जो एयरलाइंस है, उनकी वेबसाइट से बुक करते हो। ये इसका बेनिफिट मिलता है आपको। अब मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ है, जब मैं इसके पहले यात्रा से मैंने एक बार फ्लाइट बुक की थी, उसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि जब मैंने सारे अपफ्रंट पैसे भर दिए, क्रेडिट कार्ड से पैसे भर दिए थे, और बाद में मुझे कुछ अर्जेंट से चेंज करना पड़ा मेरे प्लान। उसमें ये हो गया कि जब मैंने कैंसिल किया, फर्स्टली मुझे एयरलाइंस का कैंसिलेशन फ़ीस भरना पड़ा जो भी मैंने फ़्लाइट बुक की थी। उसके अलावा मुझे यात्रा के लिए भी कैंसिलेशन फ़ीस भरनी पड़ी, जो लगभग 2,500 रुपये थी। तो मुझे, मेरे हाथ में जो है, पता नहीं कुछ आया भी था कि मुझे याद नहीं है। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी है, जैसे स्काई स्कैनर एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। इस पर भी आप बहुत ज़्यादा, आपको अच्छे अच्छे डील्स मिलेंगे और काफ़ी चीप रेट में जो है आपको फ्लाइट मिलेगी। आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जैसे हमने कैंसिलेशन के बारे में बात की, तो मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करूँगा। लास्ट ईयर नवंबर में मैंने डोमेस्टिक एक वेकेशन प्लान किया था केरला के लिए विथ माई फैमिली। अब मैं इतना एक्साइटेड हो गया था उस चीज़ को लेके कि मैंने प्लान भी कर लिया, ठीक है, फ्लाइट्स भी बुक कर ली, बिना परमिशन लिए, परमिशन एज इन बिना ऑफिस से परमिशन लिए। और मैंने जब दूसरे दिन मेरे मैनेजर से बात की कि मैंने ऐसा ऐसा कुछ प्लान किया और ये डेट से ये डेट में मैं नहीं हूँ, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उसका रीज़न ये था कि मैंने कुछ ही दिन पहले एक और बड़ा ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप करके आया था। उसके वजह से जो है मेरा वो प्लान, अब मुझे उस टाइम कुछ बोलने भी नहीं आया कि मैंने ये सब बुक कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अभी थोड़े दिन पहले ही जाके आया हूँ और मैं और छुट्टी मांग रहा हूँ 1 हफ्ते 2 हफ्ते की। अब उसमें नुकसान ये हुआ कि मैंने पहले ये सोचा कि मैंने जो फ्लाइट बुक कर ली है उसको पहले मैं रीशेड्यूल कर लेता हूँ, मे बी इन फरवरी और मार्च के डेट पे। पर प्रॉब्लम ये थी, मैंने लगभग 12,000 to 13,000 की फ़्लाइट्स बुक की थी। अब जब मैं उसको रीशेड्यूल कर रहा हूँ, तो मुझे उतने ही ज़्यादा पैसे उस टाइम के लिए भरने पड़ रहे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट डिफरेंस। तो मुझे उस टाइम पे एक बात समझ में आई कि हम जो है एक्साइटेड में फ़्लाइट बुक कर लेते हैं, और फ्लाइट एक बहुत बड़ा खर्चा है। ट्रेन आप बोलो वो बहुत सस्ती होती है, बसेस भी ठीक है, इतना महंगे नहीं होते, पर फ्लाइट महंगी होती है। और आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा पैसे जो है एट द रिस्क लगा रहे हो। और आपका अगर सब कुछ प्लान भी है, ठीक है, आप बहुत श्योर हो कि इस दिन आप ट्रैवल कर रहे हो, फिर भी गॉड नोज कुछ क्या सिचुएशन आ सकती है आगे। तो हमेशा जो है कैंसिलेशन प्रोटेक्शन लीजिए। उससे बेनिफिट ये होगा
कि आपको मिनिमम पैसे कटेंगे आपके। जैसे मैंने जहाँ तक मुझे पता चला है कि अगर आप कैंसिलेशन चार्ज, कैंसिलेशन बेनिफिट, कैंसिलेशन कैप एक्टिवेट करते हो तो जो भी आपका सिर्फ टैक्स होता है ना वो ही कटता है, जो बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब आपको मैक्सिमम अमाउंट मे बी 70% 80% आपको रिफंड आ जाता है। और एक टिप मैं आपको ये देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब भी आप गूगल फ्लाइट से या किसी जगह से भी फ्लाइट बुक करें तो इनकॉग्निटो मोड जो आपका ब्राउजर पे होता है, इनकॉग्निटो मोड पे जाके आप अपनी फ्लाइट को हमेशा चेक करें, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार में इंसान डिसाइड नहीं कर लेता कि भाई मुझे इसी डेट पे जाना है, उसके ऊपर नीचे प्लान्स चलते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब भी आप उसी सर्च पे बार बार आओगे, ठीक है, बार बार एक ही डेस्टिनेशन को सर्च करोगे तो आपका डेटा जो है आपका सर्च कैप्चर होता है, और उसके ऐसे आप ये नोटिस करोगे कि जब आप फर्स्ट टाइम आए थे और जब सेकंड थर्ड टाइम वापस से उसी चीज़ के लिए आए तो प्राइस में डिफरेंस दिखेगा आपको। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप इनकॉग्निटो मोड पे चले जाओ, या जब भी आप सर्च करोगे तो अपना हिस्ट्री क्लियर कर लो, इससे आपको जो है स्टेबल रेट आपको मिलेंगे। अब आते हैं थर्ड चीज़ पे कि आपको फ्लाइट कब की बुक करनी चाहिए। सही वर्ड ढूंढ रहा था मैं। तो आपको फ्लाइट कब की बुक करनी चाहिए, देखिए वीकेंड पे बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोगों की छुट्टी वीकेंड से स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली वो ऐसा प्लान करते हैं कि फ्राइडे नाइट को निकलेंगे, सैटरडे संडे ये सारी चीज़ें, तो इनमें जो होता है फ्लाइट के रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बजाय इसके कि आप वीकडेज में फ्लाइट को बुक कीजिए। जैसे वीकडेज में अगर आप फ्राइडे को छोड़ देते हैं और बाकी चार दिन, तो आपको अच्छे खासे डील्स मिल सकते हैं और काफ़ी कम, थोड़ा बहुत कम इसमें आप अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं, और जितना ज़्यादा लोग आप ट्रैवल कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इस, ये मेरा लास्ट ईयर का वीडियो है, ठीक है, जहाँ पे मैंने फ़्लाइट ली थी, और ये आई थिंक थर्सडे नाइट की फ़्लाइट थी, ये थर्सडे नाइट की फ़्लाइट थी। तो आप देखिए कितना खाली है ये पूरा, मतलब पूरा आई थिंक खाली 10% लोग ही थे इसमें, ठीक है। तो मैं कहीं पर भी बैठ सकता हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ, इसका मुझे बेनिफिट मिला था, ठीक है। मैं पीछे भी बैठ सकता हूँ, आगे भी बैठ सकता हूँ, मेरी मर्जी। अब बात करते हैं लंबे ट्रैवल और छोटे ट्रैवल के बारे में। जैसे दुबई है वो यहाँ से लगभग 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, 2.5 घंटे की फ़्लाइट, ठीक है। अगर आपको इतनी छोटी फ़्लाइट बुक करनी है तो आप कभी भी जो है डायरेक्ट फ़्लाइट ही बुक कीजिए, स्टॉप वाले फ़्लाइट बुक मत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टायर हो जाओगे। 2.5 घंटे 3 घंटे या फिर 5 घंटे की फ़्लाइट में आप डायरेक्ट फ़्लाइट ही बुक कीजिए। पर हाँ, अगर आप लंबी फ़्लाइट्स बुक कर रहे हैं, जैसे अगर आप जर्मनी, यूरोप जा रहे हैं, या फिर यूके जा रहे हैं, या फिर उसके भी आगे, जहाँ पे 15 घंटे 20 घंटे 25 घंटे का ट्रैवल है, ठीक है, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप जो है एक स्टॉप वाली फ़्लाइट बुक कीजिए। वैसे भी एक स्टॉप वाली फ़्लाइट अब ज़्यादा अच्छी इन सिचुएशंस में होती है, और ये थोड़ा चीप भी होता है। डायरेक्ट फ्लाइट भी आप बुक कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप सिर्फ घूमने के हिसाब से जा रहे हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट बुक मत कीजिए इसका। और आप जब भी गैप चूज़ करें तो ऐसा गैप चूज़ कीजिए जहाँ पे 3 से 4 या 5 घंटे का डिफरेंस हो, ठीक है। जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं, जो हॉल्ट ले रहे हैं, वो 5 घंटे का मिनिमम हो, उससे कम मत लीजिए। प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आप जैसे एक सिटी में आपने हॉल्ट लिया, ठीक है, आपको भी फ्लाइट चेंज करनी, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, आपको इमिग्रेशन में आधा पौन घंटा निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज़, वहाँ पर भी उतना ही टाइम लग जाएगा, तो आपका फ़ायदा हुआ नहीं उस जगह पर रुकने का। अगर आप 5 घंटे का लेते हो तो 1-1.5 घंटा यहाँ वहाँ, और आपको एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जो है आराम के लिए मिल जाएंगे। आप अगर वहाँ की फैसिलिटी है, वहाँ पे लाउंज वगैरह है, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट ये है कि देखिए, हम जो कार्ड यूज़ करते हैं, हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसमें मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, लाउंज का एक ऑफर होता है। तो आप ये भी इंक्वायरी कीजिए कि क्या आपका जो कार्ड है, तो इनमें जो है ये आपको एयरपोर्ट पे लाउंजेस के लिए, यहाँ पे बैठने के लिए, वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं, या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जो आपको आप अवेल कर सकते हैं, तो वो भी आप जो है ज़रूर कीजिए। तो गाइज, और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी ये है कि जैसे मेजर सिटीज़, जैसे मैं रहता हूँ पूना में, यहाँ पे मेजर सिटी मुंबई है जो बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो दिल्ली आपके लिए जगह रहेगी, बड़े एयरपोर्ट रहेगी, तो यहाँ पर से जो है ना फ्लाइट के चार्जेस कम रहते हैं एज़ कम्पेयर टू पुणे। अगर मैं पुणे से दुबई की फ़्लाइट देखता हूँ तो मुझे लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा एक फ़्लाइट के भरने पड़ रहे हैं, ठीक है, उतना ही रिटर्न के लिए मुझे भरना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है। और क्योंकि मुंबई से जो है फ़्लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टाइप के फ़्लाइट्स चलते हैं वहाँ से, बहुत ज़्यादा ब्रांड के एयरलाइंस चलते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको वहाँ पे मिल सकता है। जैसे पुणे से मुंबई अगर आप, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर आप बाय रोड ट्रैवल करते हो या बाय ट्रेन ट्रैवल करते हो, ठीक है, बहुत इजीली चीपली आप पूरी फैमिली, या अगर आप अकेले भी हो तो आप यहाँ से मुंबई ट्रैवल कर लो और मुंबई से फ़्लाइट ले लो।
अब गाइस आते हैं एक और अमेजिंग टिप पे जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि ये जो मेजर मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं मुंबई के, यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लाइट्स मिलती है। दुबई की आई सपोज दिन में 3 या 4 फ्लाइट होती है, ठीक है। सेम वेज नज़दीक नज़दीक जो कंट्रीज़ है उनकी आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, मैं जब मेरा एक्सपीरियंस बताऊँगा, मैं एक मॉर्निंग की फ़्लाइट थी वहाँ पर दुबई के लिए, एक थी लगभग 7:30 इन द इवनिंग और एक रात की 1:30 या 2 बजे की फ़्लाइट थी। तो मैंने क्या किया, रात की फ़्लाइट बुक की। अब मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ, मुझे इसका बेनिफिट हुआ। अगर मैं इवनिंग 7:30 बजे की फ़्लाइट बुक करता, तो अगर मैं 7:30 बजे फ़्लाइट बोर्ड करता, अगर मैं 2.5 घंटे पकड़ूँ तो लगभग 10-10:30 बजे मैं दुबई पहुँच जाता, 1.5 घंटे का जो है इमिग्रेशन वाला प्रोसेस। तो 11 रात के 11 बजे या 11:30 बजे मैं एयरपोर्ट से बाहर आता। अब इतनी रात को, ठीक है, मुझे ट्रैवल कहीं ना कहीं स्टे करना है, ऑब्वियसली रात निकालनी है, तो मैं रात के लिए कोई होटल में रुकता। मैं आपको बता दूं, दुबई में या कहीं पर भी जो होटल्स होते हैं उनके टाइमिंग कुछ इस तरह से होते हैं कि वो मॉर्निंग में 12 बजे चेक इन लेते हैं और चेकआउट जो है दूसरे दिन 10 बजे के आसपास, इतना उनका जो है एक साइकिल रहता है। अगर मैं रात में ट्रैवल करूंगा, रात में वहाँ पे पहुंचूंगा, तो ऑब्वियसली उस दिन का मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो सिर्फ मैं सोऊंगा और मॉर्निंग चार्ज, तो एक दिन मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। अभी वही चीज़ मैंने क्या की, 1:30 बजे की फ़्लाइट यहाँ से निकली, 1:30 बजे में जब मैं निकला, मैं लगभग 5-5:30 बजे 6 बजे तक अपनी सारी फॉर्मेलिटीज से बाहर आ चुका था, दुबई में पहुंच चुका था। अब वहां से मैंने मेरे जो होटल है वहां पे पहुंचा। अब वो हुआ कि मैंने वहां पे जाने के बाद मैं लगभग 7:30-8 बजे तक वहां पे पहुंच गया। वहां पे मैंने मेरा सामान रखा, उनको मैंने बताया कि मैं आ चुका हूँ। मैंने उनको अर्ली चेकिंग के बारे में पहले ही बता चुका था कि मैं थोड़ी देर पहले आऊँगा। उस वक्त मैंने उनको ये बात करके मैं बाहर नाश्ता वाश्ता करने चला गया। जब मैं वापस आया 1/2 घंटे के बाद, तो मुझे मेरी जगह मिल गई थी। रीज़न बीइंग कि जिस जगह मुझे जो मैंने बुक किया था वहाँ पर उसके पहले कोई स्टे नहीं कर रहा था, तो उस केस में मुझे मिल गया, ठीक है। कभी कभी कोई और स्टे कर रहा होता है तो आपको और थोड़ी देर रुक जाना पड़ता है, बट इस ऐसे सिचुएशन में जो है मॉर्निंग का टाइम होता है, आप नज़दीक नज़दीक एक्सप्लोर भी कर सकते हो अगर आपको और टाइम लग रहा है, पर आप एक दिन का पूरा जो है कॉस्ट बचा लेते हो। तो यहाँ इन सारी जगहों पे आप पैसे बचा सकते हो, आप अपने एफर्ट्स भी बचा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए जब भी आप अपना ट्रैवल प्लान करें। तो गाइज, इसी के साथ जो है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अकोमोडेशन किस तरह से आपको बुक करना चाहिए, मैंने किस तरह से अकोमोडेशन बुक किया था, और आपको अपना जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका मैक्सिमम बेनिफिट वापस कैसे ले सकते हैं। तो गाइज, यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो प्लीज़ इस चैनल को, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास भी ऐसे कुछ अमेजिंग टिप्स हैं जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, मुझसे और बाकी सारे लोगों से, ताकि हम भी इसका बेनिफिट ले सके, तो कमेंट सेक्शन में जाके ये सारी चीज़ें बताइए और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सब चीज़ों का बेनिफिट ले सकें। तो अब तक के लिए अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गाइज, गुड बाय।